सभी सासौर जिले के निवासी, सबसे पहले मेरी तरफ से आज के इस ऐतिहासिक दिन, जो इतिहास में दर्ज हो गया, और इस पंडाल में और इस मंच पर जो लोग यहाँ सम्मान सम्मिलित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना, आप सब भी इस इतिहास में जो है सम्मिलित हुए, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के दिन, आज से जो यहां शामिल हुए, जिन्होंने देखा हमारे पूर्वज, हमारे लोग जिन्होंने राजस्थान की स्थापना देखी होगी, राजस्थान में विभिन्न जिलों की स्थापना देखी होगी, और आज सांचौर जिले की स्थापना देखी, 19 जिलों की स्थापना देखी, 3 नए संभागों की स्थापना देखी, इसके बाद में इस संसार में जन्म लेने वाला बच्चा सांचौर जिले में जन्म लेगा, और उसको हम लोग बधाई करेंगे कि ये जालौर जिले का भाग था और अशोक गहलोत जी की सरकार आई थी जिसने कीर्तिमान निर्णय लिया। अभी राम लुभाया जी बोल रहे थे, सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हमारे स्टेट के, और पिछली सरकार में कई मसले हमारे जो नर्मदा के पानी वगैरह के थे उनके समय में सुलझाए गए थे, और जब वो बोल रहे थे, एक सीनियर आईएएस अधिकारी जो इस समिति के अध्यक्ष बने, और उन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि जिले ज्यादा हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा बनाओ, और उन्होंने स्वयं ने कहा कि मुझे भी ऐसा महसूस हुआ कि 19 कहां से बन पाएंगे, कैसे बनाएंगे ये, और मैं विदेश में था, और बजट के अंदर जब बजट का पास हो रहा था, बजट राजस्थान का, और नए जिलों की घोषणा करनी थी, तो बोले मुझे खुद को ताज्जुब हुआ, मैं सरप्राइज हुआ कि राजस्थान में मुख्यमंत्री ने इतना ऐतिहासिक क्रांतिकारी निर्णय ले लिया जो कोई नहीं ले सकता, 19 के साथ में एक प्यारा सा छोटा सा सांचौर जिला भी जो है वो जिला बना दिया, ऐसा क्रांतिकारी निर्णय राजस्थान में हुआ जो पूरे देश में मॉडल हुआ। सभी लोगों ने शुभकाम दिया है मंत्री जी, उसी दिन जिस दिन जयपुर गए आप 8 सिविल लाइन्स में सब, और आपका उसके पश्चात पुकरा जी का ट्वीट आया, हमने तो मन में समझ लिया था कि मुख्यमंत्री जी सांचौर को जिला घोषित करेंगे, बाकी नहीं रहने वाला है। उसी दिन राजनीतिक लोग पहले ही पता चल जाता है कि क्या हो सकता है, अनुमान लगता है, और जैसे भाव सिंह ने कहा, सबने कहा, आज जिले का तोहफा मिला है, आज के बाद में इस जिले में विकास के नए काम होंगे, विकास के नए आयाम स्थापित होंगे, और हम सब मिलकर ये जिला कितना अच्छा विकसित हो, अच्छी तरीके से आगे बढ़े, अच्छा नाम हो, अच्छे कार्य हो, हर अच्छे विकास के कार्य इस जिले में आए, वो सब मिलकर करे। जो 4 उपखंड इस जिले में आए, हम सब जो यहाँ के सभी लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे तो जिला विकसित होगा, अच्छी सामाजिक सेवा होगी, शुद्ध राजनीति होगी, और आगे बढ़कर जो भी सरकारें में हम लोग बैठेंगे उस तरीके से हम काम करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ये दिन, गौरवशाली दिन, ऐतिहासिक दिन, उस इतिहास में हम लोग भाग बने, हिस्सेदार बने, उसका आपने जो है हमको गवाह बनाया, उसमें हम सम्मिलित हो पाए। आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।